हेलो दोस्तों, तो फाइनली अनलॉक टूल का बहुत लंबे समय के बाद अपडेट आ चुका है और सैमसंग के ऊपर कुछ न्यू मॉडल ऐड कर दिए हैं। लगभग 15 दिन बाद जो है अनलॉक टूल का अपडेट आया है। क्या है पूरा अपडेट देख लेते हैं। तो ये है अपडेट जो कि आज ही आया है 18 तारीख को। तो सैमसंग के क्वालकॉम और 4-5 न्यू मॉडल ऐड किए हैं। तो सैमसंग क्वालकॉम में जो है आप वही फैक्ट्री रिसेट FRP फ्लैश रीड बैक डंप आप कर सकते हैं क्वालकॉम मोड पे। आप क्वालकॉम मोड पे डालने के लिए या तो केबल से या फिर एडीएल पॉइंट से। तो सैमसंग का जो मॉडल है ये जो ऑलरेडी टूल में सपोर्ट था इनका, चाहे वो A20S हो, A02S हो, A23 हो, A10+ हो, इनका क्या किया है इन्होंने सिक्योरिटी अपडेट किया जैसा अभी रिसेंटली चिमेरा टूल ने किया था। तो क्वालकॉम CPU में यहाँ पे जो है ये A20S से लेके A23 Note 10+ S22 5G S21 Ultra S21 Ultra दूसरा वेरिएंट जो है उसका जो है इन्होंने सिक्योरिटी अपडेट किया, क्योंकि इनमें अपडेट आ गए थे तो टूल में एरर आ रहा था, नहीं हो रहे थे, फायर हॉस का एरर दे रहा था। तो अब जो है यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपके पास ये मॉडल आते हैं तो आप EDL केबल से इनको क्वालकॉम मोड पे कनेक्ट कराइएगा और आपका FRP करना है तो FRP क्लिक कीजिए, आपका हो जाएगा वन क्लिक में। और दूसरा जो है यहाँ पे ओप्पो का A54S ये ऐड किया है, OnePlus Nord N200 5G ऐड किया है, Asus ZenFone 8, Huawei Honor X8A और Motorola G14, ये 5 मॉडल न्यू ऐड किए हैं यहाँ पे। अगर हम देखें लॉक टूल में, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है यहाँ पे जो सैमसंग के ऐड किए हैं A20S bit 1 to bit 5 तक, मतलब binary 1 से binary 5 तक A20S। तो ये देखिए यहाँ पे केवल bit 4 तक का सपोर्ट है, यहाँ पे bit 1 से bit 5 तक। तो आपको bit 4 नहीं लेना है, जहाँ पे लेटेस्ट सिक्योरिटी हो, जैसे अगर यहाँ पे 6 हो जाए तो आपको ये सेलेक्ट करना है, फिर जो है EDL मोड पे कनेक्ट कराइएगा, यहाँ पे पोर्ट आ जाएगा, FRP क्लिक करेंगे, आपका FRP हो जाएगा। सेम ऐसे इसके साथ में भी है A02S, यहाँ पे जो है इन्होंने बिट 8 तक का सपोर्ट दिया है। हम A02S भी सर्च कर लेते हैं, A02S ये देखिए ये नॉर्मल है, यहाँ पे बाइनरी नहीं लिखी हुई है और ये है बिट 8। तो जब भी आपके पास आए तो जहाँ पे बिट 8 लिखा है, बिट 7 या जो हाईएस्ट नंबर लिखा हो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जो हाईएस्ट नंबर हो वहाँ पे आपको जाना है। A02S दो जगह है लेकिन आपको जाना है कहाँ पे, बिट 8 ये सेलेक्ट करिएगा, फिर आप जो है FRP पे क्लिक कीजिएगा, क्वालकॉम मोड पे कनेक्ट कराया, पोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। और आपको ये नहीं सेलेक्ट करना, लेटेस्ट वाला सेलेक्ट करना है जहाँ पे ये देखिए यहाँ पे बिट 8 लिखा है। सेम यहाँ पे S22 5G के साथ में भी है और S21 Ultra या अल्ट्रा का देखें, S22 Ultra का, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है बिट 8 तक का सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे बिट 6 तक का था S22 Ultra। S22 Ultra में ये देखिए यहाँ पे 8th Gen 1 प्रोसेसर है, यहाँ पे भी बाइनरी नहीं लिखी, यहाँ पे भी नहीं लिखी, यहाँ पे बिट 4, बिट 7 और बिट 8। तो आपको डायरेक्ट बिट 8 ही सिलेक्ट करना है। अगर आपने पहले देख लिया है कौन सी बाइनरी है, अगर उसमें बिट 7 है तो बिट 7 सेलेक्ट कर लीजिए। रीड इनफो यहाँ पे आ जाती है, आपको ओडिन मोड पे कनेक्ट कराना है मोबाइल को या नॉर्मल मोड पे कनेक्ट कराइए। ओडिन मोड पे कनेक्ट करा के रीड इनफो लेंगे तो वहाँ पे उसकी सॉफ्टवेयर फाइल की इन्फॉर्मेशन दे देगा, लेकिन अगर आपको ये नहीं करना तो आप सीधा बिट 8 ही सेलेक्ट कीजिए, हाईएस्ट वेरियंट, और आप FRP क्लिक कीजिए, आपका हो जाएगा। तो ये था अनलॉक टूल की तरफ से अपडेट। अगर अपडेट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। और बहुत दिन बाद अनलॉक टूल का अपडेट आया, ये तो है भाई। अब इसके बाद जो है UMT में 101% अपडेट आने वाला है, सेम यही आएगा या हो सकता है कुछ नया आए, क्योंकि अभी जितने भी टूल हैं, चिमेरा ने अपडेट दिया वो भी सैमसंग FRP क्वालकॉम के ऊपर था, EFT ने भी सैमसंग क्वालकॉम को ही पकड़ा, और हाइड्रा का भी बहुत दिन से नहीं आया, लेकिन लास्ट जो अपडेट था वो भी क्वालकॉम CPU के ऊपर ही था, सैमसंग क्वालकॉम CPU के ऊपर। तो बस यही था इस वीडियो में, थैंक यू।